Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 14. On 1st January 2015, Sohail sold goods to Zaheer for Rs. 5,000 and drew a bill for 4 months on him. Zaheer accepted the bill and returned it to Sohail. Sohail got it discounted by his bank at 15% per annum. On maturity, Zaheer was not in a position to meet his acceptance. He approached Sohail and requested him to cancel the old bill and draw on him a new bill for the amount of old bill plus interest at the rate of 12% per annum at 3 months. Sohail agreed to the proposal. On the due date of the new bill, Zaheer honored his acceptance. Give journal entries in the books of Sohail and Zaheer. अभी हमने दोनों पार्टियों की बुक बना ली है. सोहेल ड्रायर है, ज़हीर ड्राई है. तो हम सबसे पहले ड्रायर की बुक बनाते हैं. ऑन 1st January, सोहेल सोल्ड गुड्स टू ज़हीर फॉर रुपीज़ 5,000. 1st January 2015, सोहेल लिखेगा ज़हीर डेबिट सेल क्रेडिट 5,000. ज़हीर ने चीज़ें खरीदी हैं, ये इसके अपोजिट एंट्री पास करेगा 1st January 2015 को अपनी बुक में. परचेजेस डेबिट, इधर सेल्स है, इधर परचेजेस, परचेजेस डेबिट और पार्टी का नाम क्रेडिट, सोहेल क्रेडिट. एंड ड्रू अ बिल फॉर 4 months ऑन हिम. सोहेल ज़हीर के ऊपर एक बिल ड्रॉ करता है 4 माह का. ज़हीर एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड इट टू सोहेल, और बिल इसको वापस कर देता है. जब बिल इसके पास वापस आएगा, ये एंट्री भी सेम डेट में होगी, बिल रिसीवेबल डेबिट, और ज़हीर का नाम अब इसकी बुक में से निल हो जाएगा. जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट 5,000. ये लिखेगा सोहेल डेबिट. जब ये बिल दे देगा, ये भी इसका नाम जीरो कर देगा. जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट, और बिल्स पेएबल क्रेडिट 5,000. इधर देख लें, इधर बिल डेबिट है, इधर क्रेडिट होगा, इधर पार्टी का नाम क्रेडिट हो रहा है, दूसरे की बुक में पार्टी का नाम डेबिट. सोहेल की बुक में ज़हीर का नाम आएगा और ज़हीर की बुक में सोहेल का नाम. सोहेल गॉट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 15%. सोहेल बिल अब सोहेल के पास है, इसने इसको क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया. तो अभी हम डिस्काउंट निकालते हैं. 5,000 रुपये का बिल है, इंटरेस्ट रेट उसने दिया हुआ है 15% पर एनम, तो हम 15% लेंगे और देखेंगे कि बिल का टाइम कितना है. 4 माह का बिल है, 4 मंथ्स, तो हम लेंगे 4/12. जितना पीरियड जो है ड्रॉयर बैंक का पैसा यूज़ करेगा, उतना ही उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अभी उसने उसी वक्त ही करवा लिया है, टाइम नहीं मेंशन, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे बिल आया उसने डिस्काउंट करवा लिया. तो 4 महीने का था, 4 महीने. अगर वो लिखता है आफ्टर 1 मंथ, तो फिर हम इधर 3/12 कर देते. ये 250 आ गया. अब क्या होगा, बिल जो है बैंक के पास चला जाएगा. लिखेगा बिल रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 से, और इसके पास जो पैसे आएंगे ये 250 रुपये कम आएगा. तो 5,000 में से 250 कम कर दें तो ये बन जाएगा 4,750 रुपये बैंक, और ये जो 250 है ये इधर डिस्काउंट आ जाएगा और दोनों साइडें बराबर आ जाएगी. अब जो बिल डिस्काउंट करवाया है, इसका ज़हीर से कोई ताल्लुक नहीं. ज़हीर ने तो बिल जो है जब 4 महीने पूरे हो जाएंगे तब इसकी पेमेंट करें, तब एंट्री पास करेगा. ऑन मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी डेट आई, अब मैच्योरिटी डेट आप निकालना सीख चुके हैं
कि जितने का बिल होगा जितने पीरियड का वो जमा करें, यानी ये यकम जनवरी है तो उसमें चार महीने जमा कर लें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और तीन दिन ऊपर आपने देने हैं ग्रेस डेज। तो इसका मतलब है ये जो बिल हैं ये फोर्थ या थर्ड अप्रैल को, फोर्थ मई या थर्ड मई को ड्यू होगा। तो जब ये इसकी मैच्योरिटी डेट आई, क्या हुआ, उसने सुहेल से रابطہ किया, ही अप्रोच्ड सुहेल एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे रिक्वेस्ट की टू कैंसिल द ओल्ड बिल, कि ये जो पुराना बिल है जो जहीर ने एक्सेप्ट किया हुआ है इसको कैंसिल कर दे, कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ ऑन हिम अ न्यू बिल, और उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करे फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल, पुराने बिल की रकम प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट 3 मंथ्स, 3 महीनों की इंटरेस्ट उसमें जमा करके। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा है कि जब भी रीन्यूअल ऑफ बिल होती है तो उसमें टाइम बढ़ जाता है, डेफिनेटली जब नया बिल एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें कोई टाइम देंगे 2 महीने 3 महीने 1 महीना, तो जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसके बदले में फिर ड्रॉयर इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसमें इसने खुद ही कह दिया कि आप जो है, इसको पता है कि ऐसे तो नहीं वो टाइम बढ़ाएगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो इसने खुद ही कह दिया कि उसमें 3 महीनों का जो इंटरेस्ट शामिल कर लें। सुहेल एग्री टू द प्रपोजल, सुहेल इसकी जो तजवीज़ थी मशवरा था उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल जहीर ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। अभी पहले हम रीन्यूअल ऑफ बिल करेंगे, तो रीन्यूअल ऑफ बिल करते वक्त क्या करना है, पुराना बिल कैंसिल करना है, ठीक है, और वो सेम एंट्री पास होगी जो डिसऑनर की होती है। अब बिल इसने डिस्काउंट करवा लिया तो इसको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, और ये जहीर का नाम दोबारा डेबिट कर लेगा अपनी बुक में, जहीर डेबिट और बैंक क्रेडिट 5,000 5,000, और ये एंट्री पास होगी 4 माह बाद, 4 महीने का बिल है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 मई 2015, और ये भी इधर यही एंट्री 3 मई 2015 को पास करेगा। ये जो इसके पास बिल है ये ख़त्म हो जाएगा, बिल पेबल डेबिट 5,000 और सुहेल का नाम क्रेडिट हो जाएगा 5,000, यानी वही एंट्री जो उसने बिल एक्सेप्ट करते वक्त की थी इसी को रिवर्स कर देगा। ये देखें, सुहेल डेबिट है क्रेडिट हो गया, बिल पेबल क्रेडिट है तो डेबिट। अब उसने क्या करना है कि एक नया बिल एक्सेप्ट करना है, तो पहले आप इंटरेस्ट निकालें, यानी जो हमने नए बिल में शामिल करनी है, तो आप इधर लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालते हैं, 5,000 रुपये देने हैं इसने जहीर ने सुहेल के, और टाइम कितना एक्सटेंड हो रहा है 3 महीने, और इंटरेस्ट रेट क्या है 12%, तो हम लिखेंगे 12/100 × 3/12, ये इंटरेस्ट निकल आएगी 150 इंटरेस्ट आ गया। अब सुहेल ने जहीर से 150 इंटरेस्ट भी लेनी है, एक तो ये पैसे लेने हैं 5,000 रुपये और एक इंटरेस्ट भी, तो ये लिखेगा जहीर डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट, ये इसकी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, 150 150। अब जहीर को भी पता चल गया, क्योंकि इसने तो खुद कहा था कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा जो टाइम आप देंगे मुझे बिल रीन्यूअल करते वक्त, अब ये इसका खर्चा हो जाएगा, ये लिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इधर इसकी इनकम है तो क्रेडिट हो रही है, इधर एक्सपेंस है तो डेबिट हो रहा है, और ये इसने किसको देनी है, सुहेल को, सुहेल क्रेडिट 150 150। अब क्या करेगा, बिल ड्रॉ किया जाएगा, सुहेल ड्रॉ करेगा जहीर के ऊपर, और कितने पैसे लेगा ये देखें, 2 दफ़ा डेबिट हो रहा है, जहीर डेबिट जहीर डेबिट, पहले जो डेबिट हुआ था ये इसके साथ निल हो गया था, 0 हो गया, अब दोबारा जब डेबिट हुआ 5,000 से और एक से, इस चीज़ का बिल उससे लिया जाएगा, तो एंट्री पास होगी बिल रिसीवेबल डेबिट और जहीर का नाम क्रेडिट हो जाएगा 5,150 रुपये से, और 150 ये भी लिखेगा सुहेल डेबिट, इसकी बुक में भी सिर्फ ये 2 एंट्रियाँ आ रही होंगी, ये तो सेल क्रेडिट था, डेबिट हो गया 0,
फिर ये दो एंट्रियाँ बची क्रेडिट वाली, इसी से डेबिट कर देगा 5150 और बिल्स पेएबल क्रेडिट 5150, ये भी इसी डेट को एंट्री होगी। अब क्या हुआ, दो महीने का, तीन महीने का ये बिल था, तो तीन महीने बाद उसने क्या किया, ये बिल अपना जो है ऑनर कर दिया, यानी पेमेंट कर दी। ज़हीर ने इस बिल की मुकर्रर तारीख को पेमेंट कर दी। तीन महीने इसमें ऐड कर लें, यानी ये मई में हुआ, मई जून जुलाई, तो अगस्त में ये, यानी लिख लें 3 अगस्त 2015 को इस बिल की पेमेंट हो जाएगी। ये लिखेगा बिल पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 5150, और इसके पास पैसे आ जाएंगे, ये लिखेगा कैश डेबिट इस एंट्री के बाद ही जो है ना, कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे ले लेगा और बिल वापस कर देगा 5150, दोनों की बुक में ये एंट्री पास हो गई। इसने पैसे दे दिए, इसने ले ली, ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।